So firstly, brother, congratulations for the show. I guess, thank you. As I told you earlier, there might be so many people responding you about the show. Yeah. Tell us something. How you got this show, and what was your first reaction when you got selected for your role? Yeah, to be very honest, ये शो ना बहुत ही ऐसा एकदम सडन आया था मुझे रात को. आई रिमेम्बर आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग. ऑफकोर्स पहली बात तो भगवान का शुक्रिया है, क्योंकि वो अपना उनका जो गेम है ना वो उनको ही पता है कैसे होता है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ही वर्क्स. सो आई वाज एट होम रेस्टिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट वॉचिंग टीवी. मैच देख रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा है. तो एंड सडनली मुझे कॉल आया प्रोडक्शन से दैट वी नीड टू शूट समथिंग फ्रॉम टुमारो, आर यू अवेलेबल. लाइक टुमारो मतलब क्या शूट है, क्या करना है, कौन सा शो है? We will tell you, first tell us if you are available from tomorrow. I said, yeah, I'm available. We can do it if it is right show. And then I got a call from the production house and they called me at the office उसी रात को. मुझे 10 बजे, 8:30, 9 बजे मुझे ऑफिस बुलाया और हमने वहाँ पर ऑडिशन किया ऑन द स्पॉट. द क्रिएटिव वॉज देयर, द प्रोडक्शन हेड वॉज देयर एंड एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग वॉज सो फास्ट कि वो सोचने समझने का टाइम नहीं मिला. इट वॉज सो फास्ट बिकॉज वो बुलाया है, स्क्रिप्ट दी है, ऑडिशन हुआ है. एट दैट वेरी मोमेंट दे वॉन्टेड टू सिट विथ मी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई एम लाइक ओके दिस इज टू फास्ट. ऐसा कभी हुआ नहीं है. लेकिन देन आई गॉट टू नो अबाउट अनुपमा एंड आई वॉज वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि सबको पता है यार, मतलब जितनी भी दुनिया में जितनी मम्मियाँ हैं, भाभियाँ हैं, सब ये सबका फेवरेट शो है दादियों का. एंड इनफैक्ट मेरे लिए भी, क्योंकि मैं लास्ट ईयर आई रिमेंबर आई वॉज एट होम और मेरी भाभी ने मतलब वो खाना बनाते हुए ऐसा मोबाइल पे देख रहे थे ना, हम लाइक क्या देखते रहते हो? शी लाइक अरे अनुपमा देख रही हूँ. एंड एट दैट मोमेंट आई हैड नो आइडिया. सो आई एम लाइक क्या अनुपमा देख रहे हो? अरे आपको पता नहीं है इतना बड़ा शो है अनुपमा, आप कैसे नहीं जानते हैं? आई एम लाइक ओके ओके ओके. तब मैंने पहली बार फिर डिस्कवर किया अनुपमा को. एंड नाउ देयर इज अ टाइम व्हेन आई एम गोना गो बैक होम आफ्टर दैट टाइम, और उस शो में वो खुद मुझे देख रही है. सो इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग. एंड या सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है एक्चुअली, सोचने समझने का टाइम नहीं मिला, पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ. सर जैसे कि आपने बोला कि अनुपमा इज अ वेरी पॉपुलर शो, सो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा इसमें, यू नो, आपके रोल को लेके कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड इवन जो अनुपमा के ऑडियंस है कैसा लगेगा उन्हें, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया कि कैरेक्टर है क्या, सो द ओनली रिजेंबलेंस वॉज कि हाँ ये भी एक डांसर है, अनुपमा जी भी एक डांसर है, और उस शो में कहीं ना कहीं डांस का एक इनपुट है बहुत गहरा. उसके अलावा देयर वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि अगर आप शो देखेंगे तो जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं वो हमारे बॉम्बे के लोग बहुत आसानी समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं हमारा एक स्लैंग है, यू नो, कि आइला, भिड़ू, बच्ची, बंटा है, हम लोग ये सब करके बात करते हैं, राइट? एंड इन दैट शो दिस कैरेक्टर टॉक्स लाइक दैट. तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि मैं वैसे बात करता नहीं था, बट दिस कैरेक्टर इज कम्प्लीटली लाइक दैट, कि वो बात ही ऐसे करता है. ही हैज मनी, ही गॉट मनी एंड एवरीथिंग, लेकिन वो है उसका एक स्वैग, पर वही मेरे लिए फन फैक्टर बन गया, यू नो. एंड द फैंटास्टिक थिंग वॉज, मैं पहले दिन जब शूट कर रहा था दैट डे, तो इट वॉज माई एंट्री, देयर वॉज सोलो डांस, इट वॉज द सीन विद डिम्पी, तो बहुत स्मूथ था. नेक्स्ट डे मेरा वन ऑन वन सीन था रूपाली गांगुली के साथ में, एंड ऑफकोर्स यू नो शी इज अ बिग नेम एंड शी इज डूइंग अ ग्रेट शो. आप जब वहाँ पहुंचते हैं तो वन ऑन वन आपका होने वाला है, बट वंस वी स्टार्टेड रीडिंग एंड रिहर्सिंग द वे इट केम आउट, और उन्होंने जितना प्यार से मुझे वेलकम किया है, मुझे इतना उन्होंने गाइडेंस दिया है ड्यूरिंग द शूट कि बेटा तू ऐसे बोल, ये वाला वर्ड यूज कर, यू नो, थोड़ा सा ऐसा वाला कर दे, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट हो जा. It was amazing. I was not expecting कि इतना smooth और इतना कमाल का होने वाला है. She hugged me. She welcomed me in the show. और वो दिन बहुत memorable हो गया था. मतलब उसी दिन हमारा bond create हो गया. And और मुझे feeling ही नहीं हुई कि यार ये एक show है जहाँ पे मैं नया actor एक entry कर रहा है, एक नया character entry कर रहा है. She welcomed me and the whole production and direction team. सब कुछ बहुत sweet है. तो actually में जो challenge था ना वो बहुत आसान हो गया और काम बहुत smooth हो गया. अगर हम अनुपमा की बात करें तो जब से समर, यू नो, समर गया है, तब से डिंपल के लाइफ में या अनुपमा की लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्पेस सा हो गया है. सो आपके आने के बाद कहीं ना कहीं आप में अनुपमा समर को देखती है, डिंपी थोड़ा नोक झोंक से ही चलती है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का कुछ अलग ट्विंगल सा हमें कुछ देखने को आगे मिलेगा, ऐसा कुछ है? ये देखिए, ये मेरा और डिम्पी का क्या होगा कि नहीं होगा, ये तो क्रिएटिव्स पे डिपेंड करता है. आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दैट. बट हाँ, अनुपमा डेफिनेटली मुझ में एक बेटा देखती है. समर के जाने के बाद शी वॉज हार्ट ब्रोकन, यू नो, बहुत तकलीफ हुई थी उनको, और ऑफकोर्स किसी भी माँ को होगी.
बट ये जो नया कैरेक्टर आया है और इसकी जो चुलबुली सी हरकतें हैं, क्योंकि ये पूरे घर से अलग है, ये थोड़ा सा यू नो स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है, सड़कों से उठ के आया है, यू नो, तो ऐसी बातें करता है, तो उनको वो प्यार दिख रहा है उनका, यू नो, शी इज फीलिंग लाइक ही इज लाइक माय सन, तो वो बहुत कमाल का है, वो बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है। ये कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, तो ये तो राइटर्स पे डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली देयर इज गोना बी अ प्रॉमिसिंग स्टोरी लाइन, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डांस, ऑलरेडी हम लोग काफी डांस कर चुके हैं और आगे भी बहुत डांस करेंगे। इनफैक्ट मैं और रूपाली मैम बैठ करके हम बात करते हैं, उनसे कहता रहता हूँ यार अगला गाना ये करेंगे, अगला गाना वो करें क्या, सो हाँ ऑडियंस को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एंड यू नेवर नो, आई मीन डिम्पी के साथ तो नोकझोंक वाला जो बॉन्ड बना है वो बहुत कमाल है, यू नो इट्स अ गिव एंड टेक, वो जितना हम उस पर गुस्सा करती है मैं उतने ही प्यार से अवॉइड करके, यू नो आई जस्ट वो कहते हैं ना आई डोंट गिव अ डैम, वो एटीट्यूड है इस कैरेक्टर का, तो इट्स फन, एवरीथिंग इज फन राइट नाउ। As I told you, like आपके डांस के लिए जो हम बात करते हैं, हम सभी के बचपन में we are at that age, yeah. So हम देखते हैं you have changed a lot, बाल की बात करें या फिर your jawline shape की बात करें, how do you see yourself long back D3 and now Anupama getting two big shows in your life? See of course as an actor आपके लिए हमेशा ही अच्छी बात है कि आप जो काम करना चाहते हैं, जैसा काम करना चाहते हैं, वो काम आपको मिले। ऑफ कोर्स अ लॉट हैज चेंज्ड फ्रॉम D3 टिल नाउ इनसाइड मी आल्सो, बिकॉज़ दैट वाज अ यू नो न्यू एंड यंग एंड वेरी चार्ज एनर्जेटिक गाय जो आया था, और एक ऐसा शो मिला था जो कल्ट शो बन गया इन टेलीविजन के लिए, विच वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड एवरीवन। और अब ये जो शो आया है जो अगेन एक कल्ट शो ही ऑलमोस्ट हो चुका है इंडियन टेलीविजन पे, सो आई फील ऊपर वाले का करम है। बीच में बहुत सालों का गैप था, तो लोग पूछते भी थे ना यार आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, बट आई थिंक ये हमारी इंडस्ट्री का एक पहलू है जो समझाना किसी को बहुत मुश्किल है, कि कई सालों तक आप एकदम यहाँ बैठे रहेंगे, फिर कई सालों तक आप नहीं दिखेंगे, फिर अचानक से आप वापस उसी लेवल पर दिखेंगे, तो ये एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है जो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में है नहीं। बट या आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव मेड अ कमबैक विद अ ग्रेट शो, जिसका चर्चा सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर हर कोने कोने में, यू नो यूएस से मुझे मैसेजेस आते हैं, दुबई से आ रहे हैं, हर कोई देखता है, एंड इट वाज शॉकिंग फॉर मी, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मेरा कमबैक अगर हुआ है तो इतने बड़े शो के साथ में हुआ है, सो दैट्स ग्रेट एंड गुड टू सी यू, थैंक यू आई एम हैप्पी टू बी बैक। यस ब्रो, इनफैक्ट इन इस दौरान जब बीच में जब यू आर नॉट देयर, सो कभी ऐसा हुआ कि रियलिटी शोज की तरफ मैं रुख करूं, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल यस जो बिग बॉस के उसमें जाते हैं रियलिटी शो, वहां से कमबैक होते हैं, करेक्ट? हैव यू एवर थॉट, वाज इट देयर इन योर माइंड? बिग बॉस ना, मैं ऑनेस्टली जब मैं D3 करता था तब से ही और उसके बाद भी बिग बॉस से मुझे डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन वेरी ब्लंट अबाउट इट, मेरी बहुत बार मीटिंग हुई है वहां पर, मैं कई बार गया हूँ मीटिंग्स के लिए, पर मैंने हमेशा जाके यही कहा यार कि एक तो मुझे लगता नहीं है कि मैं ना वो कर पाऊंगा, मुझसे वो झगड़े लड़ाइयाँ या वो अग्रेसिव नेचर या मुझसे हो नहीं पाएगा, बिकॉज आई एम वेरी सेल्फ कॉन्शियस, मुझे बहुत ज्यादा अपने सेल्फ को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के ऐसा रहता है कि यार यू कांट जस्ट डू दिस ऑन कैमरा और एनीवेयर एल्स, अगर आपका एक पर्सनल लाइफ है पर्सनल रखो, प्रोफेशनल रखो। तो मेरा कभी इंटेंशन बिग बॉस की तरफ तो नहीं गया, बट ऑफकोर्स देर आर टाइम्स वेन यू गो थ्रू अलॉट, और जो आपके साथ चल रहा है वो आपको ही पता है, भले वो फाइनेंशियल हो, भले वो मेंटल हो, भले वो फिजिकल हो, चीजें हुई हैं, चीजें बहुत सारी होती हैं, एंड एट दैट मोमेंट आई फेल्ट आई हैव ट्राइड थिंग्स, ऐसा नहीं है कभी सोचा बिजनेस कर लेते हैं, कभी कुछ डेवलप कर लेते हैं, बट हैप्पीनेस वॉज ऑलवेज ऑन कैमरा, सिंपल है, मतलब मुझे हर बार अपने आप से पूछना पड़ता था वेर एम आई गोना बी हैप्पी, एंड द आंसर वॉज ऑन कैमरा, एंटी अनलेस आई एम ऑन कैमरा, आई एम ऑन स्टेज, आई एम परफॉर्मिंग, आई एम डांसिंग, आई एम एक्टिंग, मैं खुश तो नहीं रहने वाला। सो एंड आई थिंक गॉड वॉज देयर, वो हमेशा एक इतना तो मैनेज कर देता था कि आपका रेंट पे हो जाएगा एंड यू विल सर्वाइव इन बॉम्बे एंड यू विल फाइट, तो फाइट मैंने करी है, बट नो आई नेवर थॉट ऑफ गेटिंग इन टू अनदर दिस काइंड ऑफ रियलिटी शो। एंड नाउ यू आर आल्सो गोइंग टू डू OTDs, यस, आई केम टू नो अबाउट इट, सो किस तरह बैलेंस होने वाला है अबाउट द शो एंड OTD? So there is one very big show coming up. I can't speak much about it right now because it's not official yet. But with God's grace, that's happening. Of course, us show ke kuch adjustment hain jo I think it'll be
म्यूचुअल बिटवीन मी एंड द प्रोडक्शन एंड वी विल बी एबल टू डू इट. बट आई एम एक्साइटेड. बहुत बड़ा शो है वो और बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत एंसेंबल कास्ट है उसकी, कई बड़े नाम है फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री. सो इट्स गोना बी एक्साइटिंग. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट दैट यू नो जब गॉड ने ब्लेस किया ही है तो इट्स अ मिक्स. इट्स नॉट अ कंप्लीट आउट एंड आउट डांस शो बट ऑफकोर्स देर आर थिंग्स बट इट्स गोना बी सो मच फन. And I'm happy कि भगवान ने वो नवरात्रि में जो ये blessing दी है अनुपमा की उसको continue किया है with the new shows. And I hope and I pray कि अभी ऐसे ही चलता रहे, छुट्टियां ना मिले क्योंकि छुट्टियां नहीं चाहिए. I just want to work. Thank you so much. God bless you with lots of success. Thank you so much. Thank you. Thank you. Happy Diwali. Happy Diwali. Okay. Thank you.